ससुर ने एसपी से की बहू की शिकायत। 4 लाख के जेवर लेकर मायके गई, अब 4 लाख रुपए नगद की कर रही है मांग। शिवपुरी शहर के कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक ससुर ने अपनी बहू की शिकायत एसपी से की है। ससुर का कहना है कि उसकी बहू अपनी मां के बहकावे में आकर 6 माह से अपने मायके में रह रही है। इसके अलावा अब उसके तरफ से पैसों की मांग की जा रही है, न देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इसी की शिकायत लेकर बुधवार को वह एसपी ऑफिस पहुंची। जगदीश यादव ने बताया कि मैंने अपने बेटे अरविंद यादव की शादी 2 साल पहले फतेहपुर क्षेत्र की रहने वाली युवती से धूमधाम से कराई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही बहू अपने मां के बहकावे में आकर घर से कलेश और लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। बहू कभी भी अपनी मां के पास रहने चली गई है। 6 माह पहले बहू घर से 4 लाख रुपए के जेवर पहनकर अपने मायके गई हुई थी, फिर वापस नहीं लौटी। उसके बाद बहू ने जहर खाकर मरने की धमकी दी और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर परेशान किया जाने लगा। इसी बीच रिश्तेदार एवं समाज के लोगों के साथ बैठकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन बहू और उसकी मां नहीं मानी। बहू की मां मेरे परिवार विखंडित करना चाहती है। इसके अतिरिक्त बहू अब उसकी मां के द्वारा 4 लाख रुपए नगद मांगे जा रहे हैं, ना देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इसी की शिकायत लेकर मैं आज एसपी ऑफिस पहुंचा हूं और मेरे व मेरे परिवार पर किसी भी कार्यवाही को पहले जांच कर कार्यवाही करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो आप? वार्ड नंबर 1। आज एसपी ऑफिस आए थे, क्या समस्या लेकर आए थे आप यहाँ? समस्या लेकर आए थे, हमारी बहू 6 महीने ससुराल में रह रही है और जाते हैं तो 4 लाख रुपए की उसकी माँ और हमारी 4 लाख की जेवर उनके पास है और हमने यहाँ से पहना कर भेजी और जब हम उसको लेने जाते हैं तो झगड़ा करती है और धमकी देती है, मैं आपको ऐसा केस लगा दूँगी, वैसा केस लगा दूँगी और जहर खा के मर जाऊँगी। क्या नाम है बहू का? बहू का नाम क्या है? पूजा यादव। कहाँ रहती हैं ये? फतेहपुर 27 नंबर कोटी। वहीं की रहने वाली हैं ये? जी है, तो गांव के यहाँ पर आ गए हैं। हाँ, तो शादी कभी हुई थी आपके बेटे? शादी 2 वर्ष पूरी हुई थी। हाँ। क्या नाम है बेटे का? अरविंद यादव। बच्चे हैं? नहीं, कोई बच्चा नहीं। तो क्या वजह है इसकी, क्या वो अपनी मायके में जाके रहने लगी फिर? वो तो उसकी वजह तो 50 है, उसको मुझे नहीं रहना बात पर। आदमी रखती साहब, 20 साल आदमी आया ड्यूटी से, कोई पानी नहीं देना, रोटी नहीं बनाना, सोते ही रहना और नया कोई नहीं देगा, मार मुझे। अच्छा, बदतमीजी करती है, बार बार पर झगड़ा करना, तू गांडू है, तू फलाना है, तू ढकाना है, तमाम तरह की बातें। तो मुझे 4 लाख रुपए दे ना, मर्द कहती है ना, मर्द कहती है। 2 साल कैसे रहेगा? और 3 महीने का बच्चा भी उसने गिराया था। अच्छा, उसकी माँ ने गोली खिला के, बस जेवर 4 लाख की उसके पास है और 4 लाख रुपए की और मांग करती है। नहीं, मैं आपको गंदे केस लगाऊंगी, धमकी देती है वो। बिल्कुल धमकी। तो थाने में रिपोर्ट लगाई थी आपने? थाने में रिपोर्ट लगाई, थाने की रिपोर्ट दिया। और शादी कब हुई थी? शादी 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष हो गए जी। तो कब से परेशान कर रही है वो? तो आई है जादने से परेशान हो। 2400 रुपये की तो वो पुड़िया खाती थी, 40 रुपये की एक लगती थी। तो आपने उसके माता पिता से बोला कि आपकी बेटी ऐसे ऐसे बदतमीजी करती है, ऐसा बोल दिया? वो उसी का पक्ष करते हैं। अच्छा, बस क्या चाहते हो फिर आप? मुझे चाहते हैं कि पैसे दे दो हमें। और आप क्या चाहते हो? हम तो रखना चाहते हैं, वो रहे तो सही इज्जत के साथ। अच्छा, रहना नहीं चाहती? रहना नहीं चाहती है। पैसे की मांग करती है? पैसे तो भले उसको लगते ही थे, 2000 रुपये महीने लेती थी। मैयू नहीं रहने दे रही? मैयू नहीं रहने दे रही, वो बेकार औरत उसकी मैयू। तो जो रकम आपने दी थी वो सब ले गई? उसी पे ही है सब, वो तो पहन के गई, नहीं रह गई। लेकिन वो आते हैं तो हम तुम्हारे केस लगा, तो हम डर के वहाँ लेने भी नहीं जाते। क्या चाहते हो फिर? हम तो यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। इसका परिवार अगर हम गलत ठहराएं।